मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग के इस लेक्चर में। ये यूनिट 4 का दूसरा लेक्चर वीडियो लेक्चर है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। एक तो हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल है वो जीआईएस में किस तरह से काम करेगा उसके बारे में छोटा छोटा हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ जीआईएस देखा था तो उसमें बात किया था। अब ये कह रहे हैं कि भाई स्पेटियल डेटा के सोर्सेज क्या हो सकते हैं। देखो दो इसको इस टॉपिक का मतलब पहले समझिए क्या है, है ना, क्योंकि हमारे पास स्पेटियल डेटा तो अवेलेबल है नहीं। मैं जीआईएस पर काम थोड़ी करता हूँ, जीआईएस पर काम तो गवर्नमेंट करती है, एक खर्चीला प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली बात है अगर हमें स्पेटियल डेटा की रिक्वायरमेंट है, क्यों रिक्वायरमेंट है, बहुत सारे एनजीओज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, उससे नई इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं और इन्वायरमेंट के बारे में कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं कि ये इन्वायरमेंट में हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, और उसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाते हैं। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग पर्पज के लिए इस चीज़ को यूज़ करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल सोशियोलॉजी का बताया है, ऐसे अलग अलग लॉजी में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, है ना। मतलब स्पेटियल डेटा को कहाँ से पाएँ उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और जहाँ से मिलेगा वो सोर्सेज होंगे, सो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ स्पेटियल डेटा। एक तो ये है कि भाई जियोग्राफिकल डेटा हम उसको डिस्कवर करें, तो डिस्कवर करने के लिए हम जीआईएस जैसे प्लेटफॉर्म्स को सीधे सीधे यूज कर पाए उसके लिए या तो हम प्रयास करेंगे जहाँ पर जीआईएस हमारा अवेलेबल है ना, वहाँ से हम डेटा को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो लोग जीआईएस डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं हम करते हैं, हम उनसे फ्री में उस इंफॉर्मेशन को, उस डेटा को हम गैदर कर सकते हैं, है ना, जीआईएस डेटा को एक्सप्लोर। उसके बाद जीआईएस डेटा को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो जो डेटा हमारे पास है डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, वो डेटा सेट का सब्जेक्ट क्या है, वो किन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो किस टाइम स्पेन या टाइम पीरियड में डिजाइन किया गया था, और जो हमारा कलेक्टेड डेटा है वो एक्चुअली में जिस पर्पस से हमने ये लिया हुआ है वही डेटा है, और उसका पर्पस एक्चुअली में क्या होगा, क्यों हमने उसको कलेक्ट किया है, ये सारी चीज़ों का क्वेश्चन अगर पूछते हैं सबका आंसर हमको मिलना चाहिए जब हम जीआईएस डेटा को एक्सप्लोर करने जाते हैं। कुछ रिसोर्सेज क्या है, जनरल पर्पज जीआईएस डेटा रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पर जो हमें बेसिक डेटा की रिक्वायरमेंट होती है वो डेटा हमें फ्रीली अवेलेबल होता है जगह जगह से, है ना। तो जनरल पर्पज जीआईएस डेटा हमें वहाँ रिसोर्सेज से हम ले सकते हैं। इसके अलावा ओपन स्ट्रीट मैप है, पीपल्स मैप है, अलग अलग तरह के मैप अवेलेबल हैं। गूगल मैप ने भी काफ़ी कुछ चीज़ों को पब्लिक कर रखा है, वहाँ से आप बहुत सारे डेटा को इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है, मतलब वहाँ से भी डेटा आपको मिलेगा। इसके अलावा जीआईएस के डेटा अलग अलग लाइब्रेरीज से आप सर्च कर सकते हैं, ये लाइब्रेरीज दुनिया भर की लाइब्रेरीज अवेलेबल है, कुछ ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है, कुछ ऑफलाइन मोड में। यहाँ पर बहुत सारा जीआईएस का डेटा स्टोर करके रखा गया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल जो मैपिंग एजेंसीज हैं जो जीआईएस के डेटा को कलेक्ट करके उसकी मैपिंग करने में हेल्प करते हैं, अलग अलग तरह के मैप डिजाइन करने में हेल्प करते हैं, वहाँ से भी डेटा आसानी से अवेलेबल होता है। इसके अलावा आपके अलग अलग तरह के एलिवेशन डेटा हैं, बैथीमेट्री डेटा है ना, जो आप अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से फाइंड कर सकते हैं। बहुत सारे ग्लोबल सोर्सेज हैं जहाँ से डेटा को पाना काफ़ी आसान होता है, बशर्ते आप एक ऑथराइज्ड संस्था से जुड़े हों, है ना। तो ये सारे कुछ सोर्सेज हैं जहाँ से आप जो आपका जीआईएस डेटा है उसको सीधे सीधे आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्टेट और प्रोविंशियल एजेंसीज हैं जो कि इस पर जीआईएस पर बहुत सारा काम करते हैं, वहाँ से भी डेटा को एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। डिटेल्ड म्यूनिसिपल डेटा जो हमारा होता है म्यूनिसिपल पार्टीज के द्वारा बनाया जाता है, अलग अलग शहरों का डेटा उसको इकट्ठा करके पूरे उसको स्टेट में और कंट्री डेटा में कन्वर्ट किया जा सकता है और उसके आधार पर कुछ डिसीजन मेकिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे हमारे डेटा हैं जिनकी सहायता से बहुत सारे काम हम लोग कर सकते हैं। ये एग्जाम में आता है, आप इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दिस इज बेसिक स्पेटियल एंटिटीज। हम एक मैप में
जो हमारे पास पैटियल डेटा अवेलेबल है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हमें यह समझ में आया कि स्पैटियल एंटिटीज होते कितने तरह के होते। तो स्पैटियल एंटिटीज दो तरह के होते, एक वेक्टर डेटा मॉडल, दूसरा रेस्टर डेटा मॉडल। दोनों का एक सिंगल लाइन में मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई एक पोजीशन है और इस पोजीशन पर आपने कोई डेटा स्टोर करके रखा है, ये डेटा 33 है। ये जो डेटा आपने स्टोर करके रखा है दिस इज रेस्टर डेटा, और जिस एड्रेस पर ये रखा हुआ है जो लोकेशन है वो आपका वेक्टर डेटा होता है। बस समझ में आ रही है, मतलब कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा जहाँ पर आपने वो डेटा को स्टोर करके रखा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम इन्हीं पॉइंट्स को, इन्हीं लोकेशंस को मिलाते चले जाएं तो उससे ये नहीं पता चलेगा कि वो डेटा क्या है, बल्कि वो जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है। लेकिन रेस्टर की अगर हम बात करें तो उन पोजिशंस पर कुछ डेटा को हमने कलेक्ट करके रखा हुआ है, वो जो डेटा है हमारा एक लाइन से, दोस डेटा आर नोन एज रेस्टर डेटा। अगर मैं वेक्टर की बात करूँ तो उसको तीन भाग में कैटेगराइज किया गया है, पॉइंट, पॉलीलाइन और पॉलीगन। पॉइंट हमारे क्या होते हैं, कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम इज नोन एज पॉइंट, क्लियर है। टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, पॉइंट भी लालू इज भी पॉइंट। पॉइंट का कोई साइज शेप नहीं होता है, इसका कोई मास नहीं होता, कोई वेट नहीं होता है। ये किसी एक जगह पर हमने पेंसिल की एक नोक रख दी, दैट विल बी पॉइंट। और जो पॉइंट है इसका अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, 2D में दो कोऑर्डिनेट स्केल्स हम लोग यूज करेंगे, जबकि 3D में तीन कोऑर्डिनेट स्केल यूज करेंगे, एक्स वाई जेड। नॉर्मली हम लोग मैप में 2D मैप ही डिजाइन करते हैं। आपको जो मैप वर्ल्ड मैप है या इंडिया का मैप है या स्टेट मैप है, ये सारे जो डिजाइन होके आते हैं वो GIS डेटा के आधार पर बनते हैं और वो 2D ही होते हैं, उसमें दो ही डायमेंशन हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक तो अब उसमें एक पॉइंट हमारा हो गया। जब हम दो पॉइंट्स को जोड़ते हैं है ना, तो जो चीज़ से हमने जोड़ा है उसको आप पॉलीलाइन बोलते हैं। ये लाइन आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और ये लाइन आपका कर्व भी हो सकता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन हमारा होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कर्व भी हुआ तो उसमें क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, जैसे एक रिवर है, रिवर आपका इस तरह से चल रहा है, अब इसी बात है आपको कर्व लाइंस यूज करने पड़ेंगे, बेसिकली आप स्ट्रेट लाइन से काम नहीं चला सकते, है ना। तो पॉली लाइंस किसी भी तरीके की लाइंस होती हैं जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में दिखाई देती है। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन एक एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोई बिल्डिंग है, कोई साइट है या कोई क्रॉप फील्ड है कि यहाँ से यहाँ तक मेरी जमीन है, यहाँ से यहाँ तक आपकी जमीन है। तो उसमें जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वो उसके वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भी वर्टिसेस आपके होते हैं सबका एक कोऑर्डिनेट वैल्यू होती है, और उन सबको जब हम मिलाते हैं एक दूसरे के साथ, पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से, चौथे को पाँचवें से, और आखिरी वाले को फिर पहले वाले से मिला देते हैं। इस तरह से जो हमें स्ट्रक्चर मिलता है दैट इज नोन एज पॉलीगन, ठीक है। GIS एनवायरनमेंट में पॉलीगन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है कि यहाँ पर हमारा बिल्डिंग होगा या नहीं होगा, या जो भी सरफेस रिसोर्सेज हैं वो प्रॉपरली अवेलेबल हैं या नहीं। तो तीन तरह के वेक्टर डेटा मॉडल में, तीन तरह के वेक्टर डेटा, एक वेक्टर डेटा में एक पॉइंट है आपका, दूसरा पॉलीगन है आपका, तीसरा सॉरी दूसरा आपका पॉलीलाइन है, और तीसरा क्या है आपका पॉलीगन है, पॉलीगन, ठीक है। अब हम रेस्टर डेटा की बात करते हैं। रेस्टर क्या है पहले ये समझो, तो सिंपली एक सिंगल पिक्सल, 10x10 एरे सेल्स में एक सिंगल पिक्सल है हमारा, सिंगल पिक्सल पर कोई डेटा अवेलेबल होगा। ये जो सिंगल पिक्सल है दिस इज वेक्टर डेटा, और जो यहाँ पर डेटा स्टोर किया गया है दैट इज रेस्टर डेटा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्टर डेटा बोलेंगे। तो ये जो हमारा डेटा सेट होता है रेस्टर डेटा सेट, और नॉर्मली आप इमेजरी को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, सरफेस टेम्परेचर्स को इवेलुएट करने के लिए, डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स या न्यूमरस और अदर एंटिटीज है उन सबको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। रेस्टर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल केस ऑफ एन एरिया ऑब्जेक्ट वेयर द एरिया इज डिवाइडेड इनटू अ रेगुलर ग्रिड ऑफ सेल्स। या हम एक एरिया में इसको सोच सकते हैं जिस एरिया को छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड किया गया है। हर सेल, ध्यान से समझिएगा, हर सेल में एक डेटा स्टोर किया गया है, और इस तरह से हर पॉइंट पर हमें
डेटा मिल जाता है जिसकी सहायता से, उस इंटेंसिटी की सहायता से आप प्रॉपरली चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके आप कोई भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि वो रिवर है या क्या है क्या नहीं है, इज इट ओके और नॉट, है ना, एक बात हमको समझ में आ रही है। अच्छा, अब अगर हम स्पेटियल डेटा के मेजर कंपोनेंट्स को देखें, ऊपर पढ़ने के बाद हमको ये क्लियर हो गया, तो पूरा का पूरा जो जियोग्राफिक है ना, उसको कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं। इंडिविजुअल सेल, उसमें इमेजेस जिसके इंडिविजुअल सेल्स हुआ करते थे, सैटेलाइट इमेज हो गया, फोटोग्राफ्स हो गया, स्कैंड इमेज हो गया, ये सब रेस्टर डेटा के एग्जाम्पल हैं। जबकि वेक्टर डेटा के एग्जाम्पल हमारे क्या हैं, वो मेनली हमारे हैं कोई पॉइंट है, कोई पॉलीलाइन है, पॉलीगन है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो वेक्टर डेटा को अगर हम देखें तो पॉइंट, पॉलीलाइन, पॉलीगन, पॉलीलाइन पॉइंट्स हमारे होते हैं नॉर्मली और लोकेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई स्कूल है, आरआरबी कॉन्वेंट स्कूल है ना, यूनाइटेड कॉलेज, ये सब लोकेशंस हैं, तो इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट करेंगे मैप में। पॉलीलाइन क्या होता है, इन दोनों प्लेसेस के बीच में कैसे हम आएंगे जाएंगे, रोड का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर अगर इनके बीच में है तो उनका डायरेक्शन क्या होगा, रेलवे ट्रैक है तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इन सारी चीजों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस का यूज करते हैं, जिसको हम पॉलीलाइन बोलते हैं। ये पॉलीलाइन कंटिन्यूअस भी हो सकता है या डॉटेड भी हो सकता है, इस तरह से, तो वो डिपेंड करता है अलग अलग स्ट्रक्चर। तीसरा पॉलीगन, ये दिखाता है कि कहाँ पर बिल्डिंग अवेलेबल है, कहाँ पर कोई साइट पर चीजें बनी है, कहाँ पर नहीं बनी हुई है, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा आपका ये स्पेटियल डेटा में पॉलीगन हम लोग यूज करते हैं। ठीक बात है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पॉलीलाइंस के द्वारा रिवर्स, रोड्स, स्ट्रीम्स, आपके पॉलीगन के द्वारा विलेजेस, टाउन, सिटीज, है ना, बिल्डिंग्स, इन सबको रिप्रेजेंट करेंगे। और पॉइंट्स के द्वारा आप नॉर्मली लोकेशंस को, वेल्स हैं, हाउसेज हैं, ट्यूबवेल है, इसके अलावा वो लोकेशंस हैं जैसे ये हमारा ये चौक है, ये चौराहा है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब पूरे को मिलाते हैं तो हमारा एक प्रॉपर मैप हमको दिखाई देता है। जब हमारा मैप तैयार होता है तो मैप को प्रोजेक्ट भी किया जाता है, मैप को तैयार करने के पहले। तो मैप का प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, तो अगर हम मैप के प्रोजेक्शन को देखें तो चार मेथड है। एक आपका प्लेनर मेथड जिसको एजीमुथल भी बोलते हैं, दूसरा कॉनिकल मेथड है, तीसरा सिलेंड्रिकल मेथड है, चौथा मैथमेटिकल या कन्वेंशनल प्रोजेक्शन मेथड है। ठीक है, इन चारों के बारे में हम सीधे इसके डायग्राम पर चलते हैं और वहीं पर हम इसकी बात करते हैं। तो पहले केस में अगर हम देखें तो जो ग्लोब है, ग्लोब के टेंजेंट पर आप पेपर को यूज करते हैं और ग्लोब को आप रोटेट कराते हैं। तो ग्लोब को रोटेट कराने से क्या हो जाता है, जो मैप है वो प्रॉपर पेपर पर आ जाता है। और ये जो मैप पेपर पर आया हुआ है या पेपर पर हमारा कोई डेटा अवेलेबल है और ग्लोब को हम रोटेट कराते हैं तो ग्लोब पर हमारा मैप आ जाता है, ठीक है ना, और वही ग्लोब फिर फर्दर हम लोग यूज करते हैं। ठीक बात है। दूसरा तरीका क्या है, हम कॉनिकल, तो कॉनिकल देखो, जब प्लेन पेपर हमने यूज किया तो पूरा मैप एक बार में लेने के लिए इनफिनाइट सीट लेंथ सीट को आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आपने कॉनिकल वे यूज किया है तो कॉनिकल वे में आपको एक कोन स्ट्रक्चर आप यूज करते हैं जहां पर ये लाइट का सोर्स होता है जिसकी सहायता से आप प्रोजेक्शन करते हैं। इस प्रोजेक्शन में मैप का आधा पोर्शन तो सीधे सीधे प्रोजेक्ट हो जाएगा, ऐसे दो कोन की रिक्वायरमेंट होगी जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीट करेगा। तीसरा जो आपका होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, दिस इज वेरी इजी। आप एक सिलेंडर फॉर्म में पेपर को अरेंज कर देते हैं और चारों तरफ से लाइट को प्रोजेक्ट करते हैं जिसकी सहायता से ग्लोब के ऊपर या प्लेन पेपर के ऊपर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अवेलेबल हो जाता है और फिर इस मैप को हम यूज करते हैं, ठीक है ना। पहले और दूसरे टेक्निक में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बहुत सारे सिंक्रोनाइजेशन करनी पड़ेगी, लेकिन जो आपकी तीसरी टेक्निक है उसमें बहुत सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि प्लेन पेपर है और ग्लोब को भी अपनी पोजीशन से हिलना नहीं है, सारा का सारा लाइट प्रोजेक्शन के बाद अपने आप ही प्रिंट होकर दिखाई देने लगेगा। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इसको आप एग्जाम में बना दीजिएगा, है ना, और इसके बारे में दो दो लाइन आप लिख दीजिएगा। चलिए, यूनिट 4 यहीं पर समाप्त हुआ। यूनिट 5 के साथ अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और मेरी तरफ से आपको ढेर सारा नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करिए और